गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। उम्मीद कर रहे हैं एकदम बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आ चुके एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। भाई आज का वीडियो जो है ना, ओपी होने वाला आज का वीडियो। तो बस कर रहे हैं, तुम लोगों को कुछ नहीं करना, वीडियो पूरा अंत तक देखना। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। लाइक का टारगेट पे 60 लाइक का टारगेट रख रहा हूं। आई होप यार 60 लाइक आप इस वीडियो में कर दो। और गाइस, जो भी न्यू हो जल्दी से जल्दी यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके जो बैज का बेल आइकन उसको भी जरूर से दबा देना। हम बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं अपने यार 1500 सब्सक्राइबर्स। जल्दी जल्दी यार 1500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो यार। 1300 सब्सक्राइबर्स बेसिकली एक Q&A आने वाला है। जल्दी से जल्दी यार 1500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो यार। 1300 सब्सक्राइबर्स पे भी एक Q&A आने वाला है। और गाइस, 1500 सब्सक्राइबर्स पे भी एक Q&A आने वाला है। और गाइस, 2K पे यार तुम्हारा भाई फेस रिवील करने वाला है। इसलिए जल्दी से जल्दी हमारा मतलब 2K भी करा दो, 1500 भी सब्सक्राइबर्स करा दो। और गाइस, वीडियो पूरा अंत देखना, वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार मैं फार्मिंग कर रहा था। फार्मिंग यार मतलब अभी जो मैं नया सर्वर चालू किया था। और गाइस यार ये जो सर्वर था यार मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित हो गया। तो एक तुम लोगों को यार मतलब चलते चलते एक टिप देते हैं। तो वो टिप क्या गाइस यार, जब भी तुम एक सर्वर खेलोगे तो गाइस यार ग्लोबल नहीं खेलना। अगर गाइस यार तुम ऐसे खेल रहे हो मतलब तुम भी एक यूट्यूबर हो और गाइस यार यूट्यूब के लिए तुम्हारे तुम मतलब वीडियो बना रहे हो लास्ट डे रोल सरायर पे, तो गाइस यार ग्लोबल सर्वर मत खेलना। क्योंकि यार ग्लोबल सर्वर मेरे को पसंद नहीं है भैया, एक नंबर का घटिया ग्लोबल सर्वर है। एक दिन में पिट जाओगे, तो इसलिए ग्लोबल सर्वर नहीं खेलना। और गाइस अगर तुम मतलब तुम्हें दूसरे सर्वरों में कोई 14 दिन का सर्वर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं यार, तुम कोई ऐसा सर्वर उठाओ जो 12 या 13 दिन का हो। और गाइस यार बहुत ही ज़्यादा मतलब 12 या 13 दिन का सर्वर है ना, उसमें तुम लोगों को एक एडवांटेज मिल जाता है। क्या एडवांटेज है वो तुम लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले उसमें तुम्हारे लिए मतलब कम बंदे होंगे, क्योंकि पहले दिन ही बंदे बंदों की दूसरे बंदों ने ली होगी, तो इसलिए यार उसमें बहुत ही ज़्यादा कम बंदे होने के चांस है। और गाइस यार दूसरा जो यार तुम्हारे पास जो मतलब बहुत ही ज़्यादा जो तुम्हारे पास एडवांटेज है वो यार तुम लोग जल्दी से जल्दी यार अब स्पेयर फार्म कर सकते हो, क्योंकि बाकी बंदों के पास मैक्सिमम आइटमें आ चुके हैं। और गाइस यार तुम स्पेयर जल्दी से जल्दी यार फार्म कर सकते हो। तो गाइस यार मैंने जो मतलब इस सर्वर में फार्म किया था, कम से कम यार 8 घंटों में मैंने कम से कम 2500 स्पेयर फार्म किए थे, 2500 स्पेयर। और गाइस यार मैंने अपने बेस को पूरा मतलब स्टोन का कर दिया, और जो मेन जहाँ पे मेरी लूट वूट होती है वहाँ को पूरा मैंने आयरन का कर दिया गाइस। तो इस वीडियो में नहीं किया, बट गाइस यार मैंने किया जब मैंने वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो उससे पहले मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है। तो गाइस यार ये मैं तुम लोगों को टिप दे देता हूँ। और गाइस यार सबसे पहले हमारा बेस तो कंप्लीट हो चुका है। अगर तुम लोग चाहते यार इस वीडियो पे मतलब इस बेस पे यार तुम लोगों को अगर चाहते हो वीडियो बनानी, तो मतलब इस बेस पे अगर तुम लोग चाहते हो भाई वीडियो बनाओ, तो भैया मुझे जरूर से कमेंट में बता देना, तुम्हारा भाई यार जरूर से वीडियो बनाएगा कि इस बेस को कैसे बिल्ड करना है। और कैसे वो बेस तुम्हारा मतलब मैं जहां पे मैं लूट रखने वाला हूं, जहां पे मेरा सारा कुछ होने वाला है, तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो दे रहा था। बाउंड्री वॉल यार बेस को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत देने मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देने के लिए। यहाँ तो गाइस अगर आप बाउंड्री वॉल नहीं दे रहे हो तो जो भी आपका बेस है उसको मतलब एक ही दिन में उसको आपको आयरन का करना पड़ेगा, तब जाके वो बेस बचेगा। अगर आपका स्टोन का होगा ना तो समझ लो वो बेस नहीं बचने वाला है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने भी बहुत सारे बेस बनाए हैं और गाइस हर सर्वर में मैंने बेस बनाए, तो इस सर्वर में मेरा एक लक था, क्योंकि इस सर्वर में मेरा जो ना गेम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। तो गेम भी मतलब मोबाइल भी साथ दे रहा था इस सर्वर में, और गाइस ऊपर से ये सर्वर में लक भी मेरा अच्छा खासा चल रहा था। क्योंकि अभी तक मैं मतलब मेरे बेस पे किसी ने रेड करने की ट्राई तो नहीं की है, बट मेरे पास एक डिसएडवांटेज है, मतलब डिसएडवांटेज नहीं बोलूँगा, क्योंकि सर मेरे को अभी तक इसका सर्वर का रेड जो टाइम है ना वो पता नहीं है। अगर मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि अगर इसका रेड जो टाइम हो यार सुबह नहीं होना चाहिए, या तो शाम को मतलब 8 बजे के बाद हो, या तो भाई सुबह 9 बजे के बाद हो यार, इनमें से कहीं रेड टाइम होना चाहिए कुछ। इन दोनों में से अगर कोई रेड टाइम होगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हमारा बेस तो कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस यार इधर भी तुम लोगों को एक टिप देता हूँ, जब भी तुम बेस बनाते हो ना, सबसे पहले यार हम जो एक ही फार्मिंग में ना, सबसे पहले दो बाई दो का बेस बनाओ और उसको पूरा स्टोन का कर दो। गाइस यार जैसे मैंने इधर अपने बेस को ना स्टोन का कर दिया, क्योंकि इधर मेरे को पता था कि अगर अभी रेड टाइम हुआ तब भी मेरा बेस लूट सकता है, इसलिए मैं अपना बेस ना स्टोन का कर रहा था। क्योंकि सर बंदे मैचेंडी आके या तो भैया बेसबॉल बैट आके ना तुम्हारे बेस की ऐसी की तैसी कर देंगे, इसलिए सिंपल है बेस को स्टोन में कर दो। जो भी तुम्हारे पास जहाँ भी तेरी तुम लोगों की लूट होगी उसको स्टोन में कर दो। तो मैंने बेसिकली इसको स्टोन में कर दिया। और कैसे अगर तुम लोगों को बंकर बेस बनाना नहीं आता तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना मतलब ऑलरेडी उस पर वीडियो मैंने बना दिया। तो गाइस यार 2x2 का एक मतलब बंकर बेस कैसे बनाते हैं, एक स्टार्टर बेस, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो सिंपली यार मैं इधर मतलब अपने कैबिनेट में लूट वूट रख रहा था। उसके बाद यार मेरे को चाहिए थी जो मतलब मेरे पास सामान तो आ चुका था, आयरन भी मेरे
मेरे पास आ चुकी थी, बट गाइस उसको मेल्ट करने के लिए मेरे को चाहिए था फ्यूल, तो फ्यूल से बनता हमारा फर्नेस, तो फर्नेस मेरे पास एक भी नहीं था, तो इसलिए मैं फ्यूल लेने अपने शॉप पे आ चुका था। तो भाई तो सिंपली शॉप पे मैं अपने फरने मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, तो शॉप पे आ चुका था। तो यहाँ पे मतलब किसी ने अभी तक यहाँ पे नहीं लूटा था, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एडवांटेज था, क्योंकि सिर्फ पहले ही मतलब मेरा ये बहुत ज़्यादा अच्छे लक चल रहे थे इस सर्वर में। तो इसे जल्दी से जल्दी यार इधर भी खाली कर देते, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और तुम लोग मेरे को ही गालियाँ मारोगे। मेरे को गालियाँ सुनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। अगर कैसे तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना यार, 60 लाइक का टारगेट है, प्लीज़ यार कंप्लीट कर दो यार, 60 लाइक का टारगेट है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में यार, तुम लोग समझ सकते हो यार भाई, इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, इसलिए प्लीज़ 60 लाइक कंप्लीट कर देना। और गाइस जो भी न्यू हो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, 67% यार बंदे ऐसे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बट यार वीडियो डेली देखते हैं क्या कर रहे हो, और गाइस यार प्लीज यार चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, कुछ नहीं होता है भाई, सब्सक्राइबर फ्री का यार, तो भैया सब्सक्राइब कर देना। और गाइस बाजू का बेल आइकन उसको भी दबा दो यार, जब भी तुम्हारा भाई यार नई वीडियो लाएगा तुम लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी, समझ रहे हो ना, सबसे पहले तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलो गाइस हमारा काम तो यहाँ पे खत्म हो गया था, जो भी हमने काम करना था, जो हमने फ्यूल व्यूल चाहिए था वो काम तो हमारा हो चुका है। तो सिंपली मैं मार कर लेता हूँ, मेरे को मतलब देख सकते हो मेरा जो बेस है ना, मैंने मिलिट्री बेस के आसपास बनाया, क्योंकि इधर उधर मेरी 3-4 चीज़ें कवर होती है। एक तो गाइस अबेंडेंट, दूसरा हो रहा था मेरा, उसका नाम मैं भूल गया है, तो दूसरा जो तीसरा जो हो रहा था मेरा मिलिट्री बेस, और गाइस अगर मैं वहाँ से चाहता तो हार्बर भी इजिली जा सकता, क्योंकि उतना ज़्यादा दूर भी नहीं था हार्बर। तो सबसे पहले यार मैं यहाँ से, तो गाइस जैसे यार तुम लोगों को मैं बता रहा था कि मतलब मेरे को इजली यार मैं दो रूम कर सकता, पर्पल रूम जो है ना वो दो मैं इजली कर सकता था, एक तो यार हमारे हार्बर के पास और दूसरा जो रहा हमारा मिलिट्री बेस यार। बट गाइस जो मतलब हार्बर था वो भी बहुत ज़्यादा दूर था यार, अगर मैं कंपेयर करता हूँ मिलिट्री बेस यार मेरे को मतलब कम से कम 1-2 मिनट लगते थे मेरे को यार मिलिट्री बेस तक पहुँचने, और मैं अगर चाहता हार्बर तक तो मेरे को कम से कम 5-6 मिनट लग जाते पहुँचने में, ज़्यादा ही लगते, बट यार उतना भी ज़्यादा दूर नहीं था। तो इसलिए अगर गाइजर मैं बताता हूँ तुम लोगों के यार, बहुत सारी वीडियो में भी पहले बता चुका हूँ, गाइजर उस जगह बेस बनाया करो यार जिस जगह तुम्हारा फ़ायदा हो, मतलब वो उस जगह बेस बनाया करो यार, तो जिस जगह तुम यार एक दो जगह जा पाओ यार, जहाँ से तुम यार 1-2 जगह रूम कर सकते हो। जैसे यार अगर तुम डेजर्ट में बेस बना रहे हो तो गाइजर वैसी जगह बेस बनाओ जहाँ से तुम यार इजली ग्रीन रूम 2 कर सकते हो और गाइजर इजली पर्पल रूम भी कर सकते हो। तो इसलिए यार तुम लोगों को मैं बता दो वैसी जगह बेस बनाया करो। तो गाइजर अगर तुम लोग चाहते हो यार ऐसी जगह मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो मुझे ज़रूर से कमेंट में बता देना। तो हम स्पेयर, मैं इधर स्पेयर इकट्ठा कर रहा था, तो क्योंकि इधर स्पेयर की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे को वर्क बेंच को यार अपग्रेड करना था, तो फाइनली मैं वहाँ से स्पेयर इकट्ठा करके आ चुका था अपने बेस पे। तो जल्दी से जल्दी मेरे को मतलब जो हमारा जो सिंपली जो यार मेरे को जो चाहिए था ऑयल, तो वो भी मेरे को मिल गया था, तो ऑयल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सर मेरे को ऑयल से जो बनाना था वो था हमारा फर्नेस, तो फर्नेस मैंने पहले भी बना दिया, और गाइस सर मैंने 1-2 लाख भी बनाए, क्योंकि सर लाख की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो लाख से मेरे को जो सिंपली यार अपने जो डोर है उनको लाख लगाना था, क्योंकि सर अगर मैं अभी लाख नहीं लगाता तो बाहर से यार बंदे आके मेरे को तंग करते बार बार, तो वो मेरी सारी लूट ले लेते, इसलिए यार मैंने लॉक भी जल्दी जल्दी बना दिया। और सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, अपने फर्नेस में यार आयरन डाल देता हूँ, क्योंकि सर आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी मेरे को बेस को अपग्रेड करना है, कम से कम आयरन में तो अपग्रेड करना ही है जो मेरा मेन बेस है, बाकी अगर स्टोन का भी रहे आज तो 1-2 दिन में बाकी आयरन का भी हो जाएगा, बट मेरे को जो मेन जो मेरे को अपग्रेड करना था वो था मेरा जहाँ पे मेरी लूट है तो उसको अपग्रेड करना था। तो गाइस सिंपली मैं वहाँ पे मतलब अभी 1-2 काम कर रहा था, मतलब अभी मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, क्योंकि सर अभी मेरे को थोड़ा सी मतलब स्मॉल चेस्ट चाहिए था, ताकि मैं मतलब जितनी भी लूट है अभी मेरे पास एक्स्ट्रा वो अपनी मतलब जितनी भी लूट है मेरी तो वो अभी अपने बेस पे रख सकता था। और गाइस सर मैंने मतलब जो मेरा स्लीपिंग बैग है वो 2 बना लिए, क्योंकि सर स्लीपिंग बैग ना एक से काम नहीं चलता, मेन बेस में कम से कम 2 बैग स्लीपिंग बैग होने चाहिए, क्योंकि इधर अगर बार बार मर रहे हो कहीं पे स्पॉन हो रहे हो तो भाई अगर आप वहाँ से मतलब घर पे स्पॉन हो रहे हो तो उस टाइम कभी कभी टाइम आ जाता था, इसलिए यार मैंने 1-2 स्लीपिंग बैग बना दिए। उसके बाद यार मैं वहाँ से निकल के यार दूसरे साइड आ चुका, तो आपको मैं मैप पे मतलब दिखा रहा हूँ अभी मैं कहाँ जा रहा था मतलब स्पेयर इकट्ठा करने, तो आपको दिख रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा दूर से आया था स्पेयर इकट्ठा करने, और गई सर मुझे फ़ायदा भी हुआ, कम से कम मेरे मतलब 500 नहीं हो पाए पूरे, बट गाइस 500 के आसपास मेरे पास स्पेयर आ गए एक भारी में फार्म करते हुए। तो भाई ये मतलब तुम लोग करते रहो फार्मिंग, क्योंकि गाइस अगर तुम लोग यार
एक बार ही में जहाँ से मैं मतलब जहाँ पे मैंने तुम लोगों ने मैप पे देखा होगा मेरा बेस कहाँ पे, अगर तुम लोग वहाँ से यार आते हो एक बार ही में जहाँ पे मैं जा रहा हूँ यार, अबेंडिट क्या कुछ नाम है उसका यार मेरे को याद नहीं है, बट गाइज़र ऐसे कुछ नाम है, तो गाइज़र अगर वहाँ तक तुम जाते हो एक बार में ही कम से कम 500 स्पेयर तो इकट्ठा कर ही लोगे, तो ये तुम्हारे भाई का यार मतलब वादा रहा है तुम्हारे भाई, मतलब तुमसे यार बोलता है तुम्हारा भाई, बोल रहा है 500 स्पेयर इकट्ठा कर सकते हो तो कर सकते हो 500 स्पेयर ये। अब यार वो मेरी गारंटी नहीं दे सकता कि तुम वो अगर रोड खाली होगी और तुम लोग फिर मेरे को बोलोगे, तो रोड तो भरी होनी चाहिए, जैसे अभी मैं मतलब ड्रम है तो भैया तुम अगर फिर ड्रम ना होंगे तो फिर तुम मेरे को गालियां मारोगे, वो नहीं चलेगा, तो इसलिए मेरा अबेंडिट पे आ चुका था। तो मेरे को जो अभी सिंपली मैं इधर छोटा सा बेस बना रहा था, तो गाइस क्योंकि बेस यार मैं अबेंडिट पे इसलिए बना रहा था, यहाँ पे ऑयल भी मिलता और यहाँ पे ग्रीन रूम इजली ग्रीन रूम का मतलब मिल जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बना लिया क्या बोलते अपना स्मॉल बेस। तो स्मॉल बेस यार इसमें मेरा पंगे हो गए, सबसे पहले यार मैं स्मॉल बेस बना रहा था और गाइस इसको मैं कैबिनेट का टर्न कर रहा था क्योंकि वह प्रोटेक्शन देने के लिए, बट गाइस ये देख लो मेरे साथ होता क्या है भाई, इंटरनेट के सस्ते नशे देख लो इंटरनेट के सस्ते नशे यार, तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो क्योंकि यार गाइस मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया था, बट गाइस मेरे इंटरनेट के ना सस्ते नशे बहुत ज़्यादा बुरे सस्ते नशे हैं। तो सबसे पहले यार मैंने मतलब कंप्लीट तो कर दिया, बट गाइस इसके बाद जो मैं गलती से ना ये तोड़ देता हूँ, देख लो यार गलती से मैंने यही तोड़ देता हूँ जिसके लिए मैंने मेहनत की थी वही तोड़ देता हूँ, फिर मैंने सोचा यार कौन मरने दे यार जो होगा देखा जाएगा, तो इसलिए यार मैंने जल्दी से जल्दी कैबिनेट में भी मतलब कैबिनेट में देख रहा था क्या क्या डालना है, तो सिंपली अभी मैं सोच ही रहा था क्या क्या डालूं कैबिनेट में, तो सिंपल जो चीज़ें आ रही थी देख सकते हो, अभी मेरे पास स्पेयर कम से कम 484 पड़े हुए हैं, तो और बाकी जो अभी मैं इकट्ठा और करने वाला हूँ 500 स्पेयर हो जाएंगे 500 तक स्पेयर, तो अभी मैं एक काम कर रहा था सबसे पहले मैं इसको अपग्रेड कर रहा था और कैसा लॉक भी बना रहा था क्योंकि लॉक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और लॉक भी एक बना लिया और अभी बेस को भी अपग्रेड कर रहा था ताकि यार कोई बंदा अगर बेस को तोड़ता है तो अगर कोई बंदा मैचेंडी से ट्राई करता है तो नहीं टूटेगा क्योंकि जैसे स्टोन मैचेंडी से नहीं टूटा, वुड मैचेंडी से टूटा, इसलिए यार मैंने बेस को पहले स्टोन में कर दिया ताकि यार कोई बंदा इधर मतलब नहीं तोड़ पाए बेस, और मेरा स्लीपिंग बैग भी नहीं तोड़ पाया, अगर उन्होंने उसको तोड़ दिया तो गाइज़र फिर मैं यहाँ पे नहीं स्पॉन हो पाता था, इसलिए यार तुम लोगों को मैं बोलता हूँ जहाँ भी बेस बनाते हो ना सबसे पहले कम से कम उतने ज़्यादा भी नहीं लगते हैं यार, एक दो ही हज़ार लगते हैं इसको अपग्रेड करने में, तो सिंपली उसको अपग्रेड किया करो, उसके बाद यार उसमें थोड़ा सा स्टोन डाल दिया करो, कम से कम यार 3-4 दिन तो ज़्यादा ही चल जाते हैं, 5-6 दिन चला जाता है वो बेस चल जाता है, तो इसलिए यार मतलब मैंने यार जो स्टार्टिंग के लिए तुम ऐसा करो हर जगह बेस बनाया करो, जहाँ भी रूम करने तो वहाँ आसपास बेस बनाया करो, ये मेरी टिप है ताकि तुम जल्दी जल्दी रूम मतलब तुम्हें पता है रैंकड मोड में उतनी ज़्यादा मतलब रैंकड मोड में मैक्सिमम तुम्हारी जो आइटम है नहीं गिरती, इसलिए यार वहाँ पे तुम रूम मतलब वहाँ पे तुम अपने बेस बना के इजली वहाँ पे स्पॉन होके जल्दी जल्दी रूम कर सकते हो और घर पे जल्दी जल्दी जा सकते हो, तो ये थोड़ा सा मतलब तुम याद रखना जो मैंने बोला ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। तो गाइस यार मैं अबेंडेंट पे आ चुका था, अबेंडेंट के अंदर जा रहा था ताकि मेरे को यार थोड़ा सा एक ब्लू रूम कार्ड मिले ग्रीन रूम कार्ड मिले, और नहीं मिला मुझे इधर ग्रीन रूम कार्ड, तो मैं अभी मतलब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अभी डिसमेंटल कर रहा था जो जिसके लिए मैं आया था वो तो नहीं मिला, तो और मेरे को ऑयल भी चाहिए था बट वो नहीं मिला मेरे को इधर से, तो अभी मैं यहाँ से भी निकलता हूँ, बट गाइस एक दो चीज़ें मुझे यहाँ मतलब एक दो चीज़ें मुझे पता लगी कि मतलब अबेंडेंट में बहुत ही कम आया हूँ, शायद से एक ही बार आया अबेंडेंट, तो ये अभी मेरा दूसरा बार हो गया अबेंडेंट में क्योंकि मैं अबेंडेंट के साइड बहुत ही कम आता हूँ, तो सिंपली यार मेरे रूम में तो लूट थी बट यार मेरे पास ग्रीन रूम कार्ड पड़ा ही नहीं था, तो मैं यहाँ से अभी निकलने की तैयारी करता हूँ। और गाइस ये देख लो सामने आपको बंदा दिख रहा ही होगा, तो इसलिए यार मैं ऐसे यहाँ से जल्दी जल्दी निकल गया क्योंकि इधर अगर उस बंदे ने मेरे को मारा होता तो भैया मेरी जो लूट थी वो मैंने उधर अपने छोटे बेस पे रख ली थी, तो इसलिए मेरे उसे मार के भी कुछ नहीं लेता वो, तो उसके बाद अपने बेस पे आ चुका था। तो और गाइस मैंने सिंपली अपने जो वर्क बेंच है उसको मिड में तो मतलब मिड में सिंपली यार कम से कम मैंने ना 1 घंटे में ही उसको मिड में कर दिया था, आधे घंटे में ही मिड में कर दिया था उसको, तो जल्दी जल्दी यार मैं मतलब लूट जितनी भी थी मैं जल्दी जल्दी कर रहा था क्योंकि सर मैं 2 दिन लेट था तो मेरे को डबल मेहनत करनी थी बाकियों के कंपेयर में, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी जितना भी काम कर रहा था वो जल्दी जल्दी कर रहा था, मेरा जो मैक्सिमम काम जो हो चुका था क्योंकि मेरे को बेस को अपग्रेड करना था वो बेस को भी अपग्रेड कर दिया था, और मेरे को वर्क बेंच भी अपग्रेड करना था, वर्क बेंच अभी मिड में ही हुआ बट हो जाएगा, 1-2 घंटे और लग जाएंगे बाद में, तो वो मैं ऑफलाइन कर जाऊँगा मतलब ऑफलाइन में उसको पूरा अपग्रेड कर दूँगा सबसे हाईएस्ट में, तो उसको भी हाई में अपग्रेड कर दूँगा जो हम एडवांस में उसको कर दूँगा, और हम यहाँ पे एक दो फर्नेस और बना दें क्योंकि सर एक फर्नेस एक घंटा
ज्यादा कुछ होता है, इसलिए मैंने एक दो फर्नेस और बना दिए, क्योंकि फर्नेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कोई भी सर्वाइवल गेम उठा के देख लो, मतलब जो कोई भी सर्वाइवल गेम अगर उठा के देख लो तो उसमें यार फर्नेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, इसलिए यार मैंने एक दो फर्नेस और बना दिए, ताकि यार मतलब एक फर्नेस में मेरा आयरन मेटल हो, मतलब आयरन में मेल्ट हो, दूसरे फर्नेस में मेरा चारकोल बने, और जो तीसरा फर्नेस हो उसमें मेरा सिंपली सर्फर बने, तो सर्फर पाउडर बने, तो वो सब कुछ मैंने इसलिए तीन फर्नेस बनाए। तुम लोग यार एक फर्नेस से काम नहीं चलता, इसलिए यार गाइस तीन चार फर्नेस कम से कम यार चार फर्नेस तो बनाए लिया करो, तो गाइस चार फर्नेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो क्योंकि गाइस एक फर्नेस से कोई काम घंटा काम चलने वाला है, तो चार फर्नेस बनाए लिया बना मतलब क्या बोल रहा हूँ चार फर्नेस बना लिया करो। तो गाइस आज का वीडियो यही तक था, तो मुझे बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो गाइस वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो जरूर से लाइक कर देना, आगे भी यार इस में जो सोलो सीरीज है, जो ये वाला सर्वर है, इस पर वीडियो आने वाली है, तो वीडियो कंटिन्यू आने वाली है। अब गाइस वीडियो कंटिन्यू आने वाली, ये नहीं बोल सकता कि पर डे आएगी, बट गाइस वीडियो कंटिन्यू आएगी। तो गाइस प्लीज जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और बाजू का बेल आइकन उसको भी जरूर से दबा देना, ताकि तुम्हारा भाई जब भी नए नए वीडियो लाए तुम लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो गाइस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, लाइक टायर की टायर 60 लाइक है यार, तो 60 लाइक जरूर से कंप्लीट कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है 60 लाइक, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो चलो गाइस तुम्हारा भाई मिलता है और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए और मज़े उठाते रहिए।